हो गया रिव्यू, कितना केस मिला था संतोष? अच्छा ठीक है, पेपर है। ट्रक ऑनर द्वारा एक सूचना दी गई थी कि नकली DTO बन करके ये GT रोड पर एक अवैध वसूली उनसे की जा रही है और रैंसम मांगा जा रहा है 1.5 लाख रुपये ट्रक छोड़ने के एवज में। इस सूचना पर तत्काल एक टीम गठन किया गया और पुलिस टीम ही जो एंट्री माफिया थे या जो अपराधी थे उनके पास गई वो रैंसम देने के लिए और उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में वो पुलिस पार्टी पर पिस्तौल भी ताने थे जिसमें वो भी बरामद हुआ है और कई मोबाइल सिम कार्ड और कई ऐसे आधार कार्ड मिले हैं जिसमें दूसरे के नाम पर दूसरा फ़ोटो चिपका करके ये लोग फर्जी नाम पता बना करके सिम कार्ड लेते थे और उसका इस्तेमाल करके ये लोग इस तरह का धंधा करते थे। 17,000 रुपये भी मिले हैं जो विभिन्न ट्रकों से वसूली गई थी। ये एक लंबा गिरोह है, इसका UP से लेकर बिहार के कई जिलों में इसका तार फैला हुआ है। अभी हम लोग इसका और सत्यापन कर रहे हैं, कई मोबाइल नंबर भी मिले हैं जिसमें और भी कुछ लोगों के नाम मिले हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे सभी पर कार्रवाई की जाएगी। कितने सालों से काम करते हैं ये जो है? इनमें से कई का आपराधिक इतिहास भी मिला है, UP में भी जेल गए हैं ये लोग और बिहार में भी इनका सत्यापन किया जा रहा है। और ये तो बता रहे हैं कि हम मतलब इनके बारे में पता चला लंबे समय से ये लोग कर रहे थे ये GT रोड पर, अभी हम लोग पता कर रहे हैं और भी सत्यापन कर रहे हैं इसका। लोग DTO बन करके उसको गाड़ी को पकड़े थे और 1.5 लाख रुपये मांग रहे थे, वो भी खाली ट्रक का कि तुम्हारा चोरी का ट्रक है।